अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब पहले सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि सैटेलाइट किसे कहते हैं। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रिवॉल्व करता हो अराउंड द प्लैनेट, उसे हम कह देते हैं सैटेलाइट, एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट। अब देखा जाए तो कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। जैसा कि अर्थ की अगर हम बात करें तो जो हमारा मून है प्लेनेट का, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो मैन मेड सैटेलाइट नहीं है। हमारा जो मून है जिसका नाम ल्यूना है, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। और जो आपको पता ही है कि उससे जो टाइडल वेव्स पैदा होती हैं समंदर में, दरिया में, ठीक है, हाई टाइड्स लो टाइड्स, वो मून के पुल की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा रात को हम जो सन की रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मून के थ्रू ही हासिल करते हैं, क्योंकि मून की अपनी तो लाइट है नहीं, तो वो सन की रिफ्लेक्टेड लाइट को देता होता है। तो ये तो वो ऑब्जेक्ट है जो कि मैन मेड नहीं है बल्कि नेचुरल ऑब्जेक्ट है। और कहा जाता है कि शायद पुराने वक्तों में कोई एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट टकराया अर्थ से, जिसकी वजह से मून वजूद में आया। खैर, बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनमें से एक ये है। तो कुछ जैसा कि बताया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मैन मेड भी हैं, तो वो जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ या प्लेनेट, तो वो कहलाते हैं सैटेलाइट्स। तो ये आपको एक सैटेलाइट नज़र आ रही होगी, ठीक है, तो ये सैटेलाइट है। इसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है। इसे अर्थ से लॉन्च किया जाता है एक खास स्पीड के साथ, और फिर ये ऊपर जाके एक कैप्सूल के अंदर है, वो कैप्सूल आहिस्ता आहिस्ता खुल जाता है और उसके बाद ये अपना फंक्शन जो है वो शुरू करते हैं। इसके इर्द गिर्द घूमने के लिए एक खास स्पीड चाहिए होती है अर्थ के इर्द गिर्द, नहीं तो ये अर्थ के ऊपर गिर सकती है। उस खास स्पीड की वैल्यू क्या है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो इसके भी बहुत सारे फंक्शन हैं, ये रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, वेदर अपडेट्स के बारे में भी हमें आगाह करते हैं, और आजकल इसे मिल्ट्री अपडेट्स के लिए भी, जो मिल्ट्री यूज़ के लिए भी किया जाता है, ठीक है। फिर एक खास टाइप है सैटेलाइट की जिसे कहा जाता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं? वो जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं? अब आपको पता है कि अर्थ अपने ऑर्बिट में जो एक रोटेशन है वो कंप्लीट करती है 24 घंटों में, ठीक है। अगर हम कोई एक ऐसी सैटेलाइट को इस तरह सेट करें कि वो भी जो अपना ऑर्बिट है वो कंप्लीट करे 24 घंटों में ही, तो ऐसी सैटेलाइट कहलाएगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब स्टिल, साकिन जो है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसे क्यों कहेंगे? क्योंकि वो हमें लगेगी कि जैसे कि अर्थ के हिसाब से वो रेस्ट में हो, क्योंकि उसकी जो पोजिशन है अर्थ के किसी एक पॉइंट पर वो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। जैसे कि आप सामने मैप में भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट हो रही है तो इसकी स्पीड को सैटेलाइट की इस तरह एडजस्ट किया गया है कि वो किसी खास पॉइंट के ऊपर ही रहती है। तो ऐसी सैटेलाइट जो कि 24 घंटों में एक रोटेशन कंप्लीट करे, उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। और ये पाथ जिसको फॉलो करती है, आपको एक लाइन नजर आ रही होगी सर्कल सा, तो ये जो है ये एलिप्टिकल एक्चुअल में, तो ये जो पाथ है ये कहलाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? होता ये है कि जो सैटेलाइट है उसके सिग्नल्स को सेंड या रिसीव करने के लिए डिश एंटेनास को यूज़ किया जाता है। तो अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंगी तो उनके सिग्नल्स को सेंड या रिसीव करने के लिए जो एंटीनाज हैं उनकी जो पोजीशन है उसे बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह इसे, मतलब जो वर्किंग है सिग्नल्स की, तेज स्ट्रीम ट्रांसमिशन इसके जरिए पॉसिबल हो सकेगी। लास्ट में बच्चों बुक के चंद एक पेजेस हैं, इसको हम देख लेते हैं।
सामने आप देख रहे हैं सैटेलाइट की डेफिनेशन है, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन है, और फिर जो है उसके जो पर्पसेस हैं, किस लिए हम यूज करते हैं वो हैं, और फिर नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं, और लास्ट में जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं उसका क्या फ़ायदा होता है। टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछेगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।